बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है कि ओवरऑल ये जो सेशन है ये मुमकिन सेल्फ हेल्प की बेसिस पे हुआ, चुनांचे मुख्तलिफ हजरात की तरफ से जो इनायात हुई हैं, कुछ ऐसी इनायात हैं जिनमें कुछ कमी बेशी, तो यहाँ पे हमारे दोस्त तशरीफ रखते हैं, उन पर ये इनायात आपने शामिल करते हैं। आपसे गुजारिश है, ये जो हमने पढ़ी थी पांचवी छठी जमात में कि दो तीन फिक्रे बनाए जाएं ऐसे जिनके आखिर में क्वेश्चन मार्क जरूर आए, ओवरऑल स्टेटमेंट और या अपने ख्याल का भी इजहार किसी बेहतर वक्त पे भी हम कर सकते हैं। यहाँ हम खुसूसी तौर पर फैज साहब को सुनने आए, चुनाचे अगर सवाल मुख्तसर और बराह रास्त हो तो इससे बहुतों का भला होगा। शुक्रिया। ओवर टू गुलाल साहब जी। एक बात, अगर जो बुखारी साहब कह रहे थे सेशन से पहले टाइम और स्पेस की बात हो रही थी, उसमें मैं दो जुमले बुखारी साहब ऐड करना चाहता हूँ। इकबाल ने इस बारे में एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी रिकंस्ट्रक्शन में अपनी किताब में तीसरे लेक्चर में। उसने कहा साहब आप एक मकाम से एक तीर छोड़ें और वो एक जगह पे जाके लगे, इस सारे प्रोसेस को आप किसी तरह से फिल्म कर रहे हो, जब आप इस फिल्म को खोल के देखेंगे तो इस फिल्म में मुख्तलिफ फ्रेम्स हैं, जब ये फ्रेम चलेंगे तो ये रफ्तार बताएंगे, लेकिन किसी भी एक फ्रेम को अगर देखें तो वहां पे वो जो तीर है वो स्टेशनरी है। जब बहुत से आप फ्रेम्स को देखेंगे तो हर फ्रेम में तीर स्टेशनरी होगा, जब ये बहुत से स्टेशनरीज जो है ये मिलेंगे तो मूवमेंट पैदा हो जाती है, लेकिन किसी एक जगह पे जो फ्रेम जिसने उस तीर को कैप्चर किया वहां पे वो तीर जो था वो स्टेशनरी था। ये एक बार में इसको एक्सप्लेन करते थे, एक एग्जांपल दिया इस पे जो एक और किताब में है, एक साइंस ब्रांच में रेफरेंस नाम है, द पर्सन हु स्क्रिप्टेड, हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस, हॉकिंस, उसने अपना जो जुमला शुरू किया किताब में, और वो ये सारा ब्लैक होल के बारे में उसकी की थ्योरीज हैं डिफरेंट और बिल्कुल ताज़ा तरीन है, इसके बाद इससे ज़्यादा बेहतर काम स्टीफन हॉकिंग से ज़्यादा किसी और ने नहीं किया। वो पहला जुमला लिखता है कि क्या खुदा के पास ये चॉइस थी कि वो यूनिवर्स ना बनाता, यहाँ से उसने अपनी इर्तका शुरू की। आखिरी जुमला उसने कहा कि कोई ऐसी शय ज़रूर है जिसने कहा हो जा और ये सब हो गया। तो अभी बहुत से सवालात ज्यादा पैदा होते हैं टाइम एंड स्पेस के हवाले से बजाय इसके कि उसके जवाब ज्यादा मिले, तो बहुत से अहबाब यहाँ पे टाइम एंड स्पेस के बारे में अभी वक्फे के दौरान पूछ रहे थे। स्टीफन हॉकिंस की किताब 20-25 रुपए में अवेलेबल होती है, आप सेकेंड हैंड प्रिंट्स है उसके, वो जरूर पढ़ें और आसान है बहुत किताब पढ़नी। उर्दू तर्जमा उसका अगर वो भी आप चाहें तो आप लाहौर में तो अनारकली के बाद अतवार वाले दिन या जुमे को शॉप्स लगती हैं, आप वहां से 8 रुपए या 10 रुपए में किताब ले सकते हैं। हजरत मोहतरम, ये विंग कमांडर मोहम्मद तारिक साहब का एक क्वेश्चन है कि उन सिफात का हुसूल और उनमें इर्तकाई इस्तकामत जिनसे अल्लाह का दायमी साथ और रजा हासिल हो जाए मौजूदा हालात में कैसे मुमकिन है। तो जनाब वाला, ये मौजूदा हालात में ये तो नजर आता है कि शायद वो सादगी और हमारे सवालात और मसाइल में वो स्ट्रेट आंसर नहीं रहा जो शायद अब है, अब बहुत ज्यादा पेचीदगी है, मगर खुदा की रजा और दायमी साथ जो है ये हमेशा से एक बड़ा मेजर मिस्टिक कॉन्सेप्ट रहा।
یہ تصوف کا بنیادی موضوع رہا خدا کا ساتھ اس کی مرضی کو حاصل کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ تصوف ان ادوار میں جن سے ہم گزر کے آئے اور ہم بھی مسلمان ہیں ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ایک عام آدمی نے اسے اپنی زندگی سے بالکل نکال دیا تھا. مگر مجھے اپنی زندگی کے بارے میں جو تھوڑا بہت علم ہے تو میں نے ایک دفعہ پروردگار سے عرض کی تھی کہ نہ میرے پاس صائم الدہر ہونے کے عناصر موجود ہیں, نہ ہی میں اتنی زیادہ نماز پڑھ سکتا ہوں جتنی ضرورت سے بہت زیادہ, حالات و واقعات کے تحت میں اتنا مصروف ہوں کہ شاید میں تیرے احکامات کی بمشکل پابندی کر سکوں, اور جو ہمارے ارد گرد آثار موجود ہیں ان کے تحت لذات, فوائشات, اپنی خواہشات یہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان میں شاید میں ثابت قدم بھی نہ رہ سکوں. تو کیا ان حالات میں میری نیت اور اخلاص کے مطابق تو مجھے اگنور کر دے گا کہ یا تو صرف طاقتور لوگوں کا خدا ہے, یا شاید تو صرف بایزید و زنون مصری کو مل سکتا ہے اور ہم جیسے کمزور لوگوں کو شاید نہیں ملتا؟ تو میں نے اسے کہا کہ of all the things which I have on my side میں صرف ایک چیز تجھے آفر کر سکتا اور میرا صرف ایک تجھ سے وعدہ ہے کہ I will remain sincere to you and that's all. میرا خیال یہ ہے طارق صاحب کہ یہی ایک وہ چیز تھی اور میرے پروردگار نے جو اس کا صلہ بخشا اور جو عنایات بخشی, جو علم و حکمت میں اس نے مجھے خیرات بخشی وہ ایسی تھی کہ میرا نہیں خیال کہ میں کسی بھی پرانے مسٹیک سے جیلس ہوں. ان پہ اللہ کی عنایات اپنی جگہ تھی, اور میرے سامنے ایک قانون بڑے واضح طور پہ آیا ہے کہ تمام انسان مسٹیک ہوتے ہیں, مسٹیک ہو سکتے ہیں, اور تصوف کوئی غیر معمولی ہونا نہیں بلکہ تصوف نام ہے نارمل ہونے کا. تصوف نام ہے اللہ کے توسط سے اپنی بے محابہ حیوانی جبلتوں کو اعتدال میں لانے کا. تصوف نام ہے خدا کے احکامات کے تحت حدود اللہ کو سے تجاوز نہ کرنے کا. تصوف نام ہے باطنی اور ظاہرہ دونوں خطاؤں سے ذہنن اور بدنن بچنے کا. اس لیے جب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ طریقت کیا ہے اور شریعت کیا ہے تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ طریقت شریعت کی نیت ہے. جن اعمال شرع کے پس منظر میں خدا کی خواہش ہے وہ طریقت ہے, اور جو اعمال شرع محض شریعت کے لیے سر انجام دیے جا رہے ہیں وہ شریعت ہیں اور ان سے مقصود حاصل نہیں ہوتا. شاید اسی بات میں میں نے یہ طویل لیکچر دیا ہے کہ آپ اپنی عبادات کو ضائع نہ کریں. آپ کی عبادات اس وقت ضائع ہوتی ہیں جب صاحب عبادت کا تصور نہیں ہوتا. کم از کم دل میں ایک سادہ سی خواہش تو پال لیں کہ کبھی نہ کبھی ہم خداوند قریب کی ہمسائیگی میں جا اتریں. سلطان عظمت جی, شہر اقبال سے. میں آپ کی توجہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام اقبال کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ تناظر میں از ریلیجن پاسبل؟ تقدیر اینڈ اوپن اپرچونیٹیز, اسپونٹینیس آف لائف, پریئر, ریلیجس ایز فکشن, کہ یہاں جس چیز سے منع کیا اوپر گو تکیے تخت اور شراب و حور کا وعدہ کیا, اور موومنٹ ان ریلیجن پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کوشچن نمبر ون. اینڈ ٹو, کہ کیا یہ ضروری ہے کہ قبائل عرب کی تہذیب کو ہم اپنی تہذیب سے سبسٹیٹیوٹ کریں؟ تھینک یو. Thank you.
ओपन अपॉर्चुनिटीज स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ लाइफ प्रेयर रिलीजन एज फिक्शन ए मूवमेंट इन रिलीजन, इस पे आप क्या फरमाते हैं? क्योंकि इकबाल के जो 6-7 लेक्चर थे वो तो खत्म हो गए, उसके बाद क्या चले? सवाल मैं तो इकबाल का मुरीद नहीं हूं, मद्दा इकबाल इज वन ऑफ दोज फिलोसोफर हु हैज ऑलवेज गिवन अस अ लॉट ऑफ गाइडेंस इन एन एज जब हम दूसरों से मुतासर हो सकते थे, तो ये खुशकिस्मती की बात है कि मैं इकबाल से मुतासर हूं, इसलिए कि कम अज कम इकबाल से मुतासर होने में मुझे मेरी आइडेंटिटी को क्राइसिस पेश नहीं आया, मेरा तशख्स जो है मजरू नहीं हुआ। अब पहली जो बात आपने की है, बल्कि आपके तमाम सवाल जो हैं, ये बेसिकली एक ही क्वेश्चन को रेफर करते हैं, वो ये है कि फर्ज कीजिए कि खुदा नहीं है, तो ये तमाम जो सवाल हैं सवाल बन जाएंगे और इन तमाम के जवाब जो हैं फर्जी होंगे, लॉजिकल होंगे, फिलोसॉफिकल होंगे, मगर ट्रूथफुल नहीं होंगे। और अगर खुदा है तो ये तमाम सवालात मफरूजे बन जाएंगे, वाहमे बन जाएंगे, और इनका वजूद जो है किसी तौर पे भी कायम नहीं रह सकता। सो वी हैव टू रेफर टू द बेसिक क्वेश्चन कि रिलीजन तो इम्पॉर्टेंट है ही नहीं सिरे से। रिलीजन को हम ऐसे लॉ के तौर पे जानते हैं जो किसी फर्जी या हकीकी रब ने हमें जिंदगी गुजारने के लिए दिया है। अगर वो फर्जी है तो हमारे वाहमा की पैदावार है, या किसी सहरा में खड़े बेबस इंसान को जब अपने इर्द गिर्द से खौफ पेश आया, या शायद जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में चश्मों के करीब से गुजरते हुए फसलों की सरसराहट में किसी को अपने पीछे पाओं की चाप नजर आई तो उसने उसका नाम पैन गॉड रख दिया और वहां से पैंथेइज्म शुरू हो गया। तो बहुत सारे खुदा जो जमाने ने बनाए या इंसान ने तख्लीक किए माशरे में या इल्मुल असनाम में, वो ज्यादातर उनके खौफ वहशत उनकी तवक्कुआत की वजह से पैदा हुए। मगर अल्तान साहब ये तभी मुमकिन है अगर खुदा ना हो। हमें जो एक खुदा का जो तसव्वुर है, हमें पूरी पूरी इजाजत है कि हम खुदा की नफी करें, हमें पूरी पूरी इजाजत है कि हम खुदा का इनकार करें, मगर हमें इनकार कराने वाला कहता है कि तुम्हारा इनकार इल्म के लिए और ये जानने के लिए होना चाहिए कि मैं हूं या मैं नहीं हूं। तुम्हारा इनकार एक जिद या एक ख्याल या एक वाहमा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक मुसलसल तहकीक का अमल होना चाहिए। अगर आप 15 वर्ष पे इल्म सीख रहे हैं और डिनाइल में हैं, तो अगर आप इल्म सीखते हुए 30s पे जाके अगर खुदा के बिलीवर हैं, तो ये अल्लाह को ज्यादा एक्सेप्टेबल है निस्बत इसके के बगैर सोचे से मैं 30 years तक मुसलमान होने की हैसियत से पहुंचू। अगर आप कलेमे पे गौर करें तो आपको पता लगेगा कि पहला कलमा ही जदलियात फिक्र का है कि ला इलाहा इल्लल, यानी खुदावंद करीम नफी से इंसान को असबात की तरफ लेके आते। पहले ये कहो कि खुदा कोई अल्लाह है और फिर तुम जाके पहुंचोगे इल्लल्लाह। मगर किसी को ला इलाह कहने से पहले अगर आप थोड़ा सा मंतकी गौर कीजिए तो उसे खुदा कहना पड़े। किसी को यह कहने से पहले कि ये अल्लाह नहीं है, ये समझना पड़ेगा कि ये अल्लाह है, और फिर उस पे शवाहत से गौर व फिक्र के बाद खुदा ये कहता है कि तुम गैर खुदा को डिस्कार्ड करो और फिर इल्लल्लाह तक पहुंचो।
तो इस्लाम में अल्लाह ने जो हमें कानून दिया है वो एक बुनियादी जदलियात से शुरू करता है, और बुनियादी जदलियात में उसका कौल मुबारक है कि देखो मुझ पर उस वक्त तक तुम यकीन नहीं ला सकते जब तक कि तुम दूसरे खुदाओं को तर्क नहीं करोगे। ऑब्वियसली ये प्रोसेस मेक बिलीफ का या एक सिंपल एतबार का नहीं है, ये प्रोसेस इंतहाई क्रिटिकल फैकल्टी का, इंतहाई सोच समझ का, गौर व फिक्र का, और एक इंतहाई तेज जिद्दोजहद का नाम है जिसके जरिए हम मामलात को हकायक को परखते हुए बिलाखर किसी खुदा के यकीन तक पहुंचते हैं। आइए आप जरा एक और नुक्ता नजर को देखिए कि अल्लाह ने बहुत से पैगंबरों में इब्राहिम को अपना दोस्त कहा, न सिर्फ दोस्त कहा बल्कि इतना उससे खुश हुआ कि कहा कि मैंने तुझे इन्नी जायलुन लिन्नास इमामा, कि मैंने तुम्हें पूरे अननास का इमाम मुकर्रर किया। इसके बाद जब बाकी पैगंबर आए और औलाद इब्राहिम को भी उसने मुमताज किया, बल्कि वादा किया इब्राहिम के साथ, जब इब्राहिम ने कहा काला व मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद का क्या बनेगा, तो फरमाया ला यनालु अहदि ज़ालिमीन, के ज़ालिमों के सिवा मेरा ये अहद जो है तमाम औलाद तेरी को पहुंचेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हजरत इब्राहिम में वो क्या सिफत थी जिसकी वजह से परवरदिगार ने उसे उन्हें इतना मुमताज किया तमाम पैगंबरों से कि औलाद बनी आदम का सरदार कहा। तो कुरान में वो प्रोसेस लिखा हुआ, इसे आप अप्रायोरी मेथड, प्रायोरिटी मेथड कहें, कि इब्राहिम बिल्कुल उसी पैटर्न से सफर करते हैं कि अपने मुरवजा, अपने जमाने के मुरवजा खुदाओं का इकरार करते हुए फिर उनको बहस व तमीज और रिसर्च का मौजू बनाते हैं और फिर उन्हें डिस्कार्ड करते हैं। तो जब सितारा चढ़ा तो इब्राहिम ने कहा कि हाजा रबी, ये मेरा रब है। जब डूब गया तो कहा कि नहीं, मैं दीवाल पजीर को खुदा नहीं समझता। तो अल्तान साहब, जरूरी ये है कि इब्राहिम ने एक ऐसी प्रपोजिशन सामने रखी जिसको लेके वो अपनी डिस्कशन, अपनी मंतकी रिसर्च आगे बढ़ा सकते थे। उनकी प्रपोजिशन इन पर्टिकुलर ये थी कि खुदा कोई भी हो वो होगा जो लाजवाल नहीं होगा। खुदा लाजवाल है और जवाल पजीर कभी भी खुदा नहीं हो सकता। जिन चीजों को उन्होंने अपने एतबार पे परखा लाजिमन उनको जवाल पजीर पाया, हत्ता के वो हत्तमी इस नतीजे पे पहुंच गए कि मेरे इर्द गिर्द सितारों में, कायनात में कोई खुदा नहीं है क्योंकि ये सब जवाल पजीर हैं। और फिर अल्लाह ताला कहता है कि जब वो इस मकाम में अकल तक पहुंचे कि उन्होंने मुझे तस्लीम किया और उनका इंटेलेक्चुअल फेथ पूरा हो गया, तो फिर भी इब्राहिम को एक खलिश रही और काला रब अरेनी कैफा तुहयिल मौत, कि क्या तू मुझे दिखा सकता है कि मुर्दा को जिंदा कैसे करेगा। तो अल्लाह ने कहा काला अवलम तुमिन, कि इतनी जहनी मशक्कत के बाद, इतने तरद्दत के बाद भी इब्राहिम क्या तू ईमान नहीं लाया इस बात पे। तो इब्राहिम ने कहा बला वला किल्ले यतमाइना कल्बे, ऐसी बात, आई एम टोटली मेंटली कन्विंस्ड, वला किल्ले यतमाइना कल्बे, मगर मेरा दिल है जो मुशाहिदे की तलब करता। अब अल्दान साहब, ये प्रोसेस जो है इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन की तरफ बढ़ने का, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले इल्मुल यकीन की जिद्दोजहद करते रहे फिर ऐनुल यकीन की जिद्दोजहद कर। जमाने में ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि जब खुदा पर दलील मौजूद ना हो। जमाने में ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि जब खुदा पर कोई नाकाबले शकस्त दलील मौजूद ना हो। और आज भी मैं ये कहने की जसारत कर सकता हूं कि जब
मैं खुदा के कॉन्सेप्ट पे रिसर्च कर रहा था तो मैंने उन तमाम दलाइल को डिस्कार्ड किए जो फलसफा से निकलते थे या मंतक से, इसलिए कि मेरे ख्याल में ये था कि कोई भी फलसफियाती दलील किसी दूसरी फलसफियाती दलील से रद्द हो सकती। और इकबाल की भी टेलियोलॉजिकल, कॉस्मोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट्स जो थी, लेटर आने वाले बहुत सारे जबरदस्त फिलोसोफर्स ने उनकी धज्जियां उड़ा दी और लॉजिकल पॉजिटिविस्ट ने और दूसरे फिलोसोफरों ने बिल्कुल ही उसके तमाम का तमाम रिकंस्ट्रक्शन फरा कर। सो डेफिनेटली आई वाज लुकिंग फॉर एन आर्गुमेंट जो अब इकबाल की रिकंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाए, ऐसी आर्गुमेंट जिसकी बुनियाद फलसफे पे ना हो। तो अल्तान साहब, मुझे ये ख्याल आया कि एम आई वन सपोज टू डिफेंड गॉड? मैं इतनी बड़ी जाते गिरामी, इतनी बड़ी हकीकतें मुतलका का इतना इदराक ही नहीं रखता कि मैं उसे डिफेंड कर सकूं। तो नेचुरली मुझे कोई और तरीका ऐसा ढूंढना था जिससे मैं खुदा के असबात का तयकुन कर सकूं। और वो दूसरा तरीका था कि मेरा यकीन था कि इफ गॉड इज गॉड तो उसने हर जमाने में अपने लिए एक नाकाबले शकस्त दलील रखी होगी, अगर वो खुदा तो, और मुझे उस दलील तक पहुंचना है। मैं उस दलील तक उस वक्त पहुंचा जब मैंने कुरान हकीम की पहली आयत पढ़ी और मेरे लिए वो थीसिस बन गया जिसमें अल्लाह ने कहा कि अलिफ लाम मीम जालिकल किताब ला रैब फी, कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। और खुदा इस आयत को लिखने के बाद एक अजीब से मजका उड़ाने वाले अंदाज में कह रहा है कि ऐ मोतरिस, कोई शक है तो निकाल लो। मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये आयत मेरा मुंह चढ़ा रही है कि तू जो अपने आप को दानिशवर समझता है, आलिम समझता है, बहुत सारी किताबों का हाफिज समझता है, तेरे पास बड़े जदीद स्केप्टिसिज्म के लॉज हैं, तशकीक के बहरान हैं, बात बात पे तू शक करता है, अगर तुझे शक है मेरे होने पर तो ये किताब मैं नहीं मगर मेरा डाटा है, और अगर इस किताब का एक लफ्ज भी गलत हो जाए तो मैं सच्चा खुदा नहीं हो सकता। विथ यू एंड मी इट इज पॉसिबल कि हम एक आध गलती के बावजूद सच्चे रहे। लोग हमें एडवांटेज दे देंगे, यार 10 बातें सही की एक गलती हो सकती है, बट द सेम एडवांटेज कैन नॉट बी गिवन टू गॉड। अगर खुदा की लिखी हुई एक बात भी गलत हो जाए, जस्ट वन द फ्रैक्शन ऑफ ए थिंग, और आप हैरत से ये क्यों नहीं देखते कि द फर्स्ट कॉन्सेप्ट अबाउट गॉड that God does not have any data is wrong. आपकी एक किताब क्लेम कर रही है कि मैं अल्लाह का डाटा हूं, मैं अल्लाह के लफ्ज हूं, सारी इंफॉर्मेशन जो मुझ में है अल्लाह की है, तो फिर आपका ये हक बनता है कि कुरान को दोस्तों की तरह नहीं चाहे दुश्मनों की तरह पढ़े। क्यों? मैं यकीन रखता हूं कि इंसान की आजादी और इंसान की गुलामी में सिर्फ कुरान हायल है, क्योंकि अगर कुरान नहीं है तो मैं आजाद हूं, अगर कुरान है तो मैं गुलाम हूं, अगर कुरान है तो खुदा है, अगर कुरान नहीं है तो खुदा कोई नहीं। जब उस डाटा को डिस्कार्ड करके मैं खुदा से आजादी हासिल कर सकता हूं तो अल्तान साहब मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि उसे मोहब्बत, खलूस और अबूदियत से पढ़ूं? आप में से कोई शख्स ऐसा है कि जो अपनी आजादी जो है गुलामी के बदले देगा? अगर आप में ये हौसला है, ये क्रिटिसिज्म है, ये तनकीद है, तो फिर आपको कुरान जो है ऐसे एहसास से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक अंदाज से पढ़ना पड़ेगा वे यू आर आउट टू फाइंड फॉल्ट
because if you can find a fault, then there is no God. तो जब इस नुक्ता नजर से कुरान हकीम का मैंने मुताला किया, अपनी आजादी के तहफ़ के लिए बहसियत एक इंसान के एक जाबर मुतलक जात से आजाद होने के लिए, तो मेरा ख्याल था अल्तान साहब कि आई गेट रिड ऑफ गॉड, मेरा ख्याल था। तो ऐसा मेरे में चांस निकल आएगा, आखिर 365 सफ़े की किताब है, बेशुमार वाकियात और हादसात, कहीं तो गलत निकल आएगा ना। बदकिस्मती से यू सी आई फेल्ड, मुझे अजाब कब्र से वास्ता नहीं है, मुझे ये सारी चीजें फजूल लगती हैं, इन सारी चीजों का वजूद अल्लाह से। अगर आप गौर करें आलम बरज़ख का, मौत के बाद वाकियात का, कब्र के अजाब का, मलाइका का, ये सारी चीजें वजूद रखती हैं अगर अल्लाह है। अगर अल्लाह नहीं है तो इन चीजों का कोई वजूद नहीं है। कि दे हैव बीन प्रोसेस्ड थ्रू अ सर्टेन वे आउट। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रिलीजन इज रिलीजन और नॉट, रिलीजन इज ए हिस्ट्री और रिलीजन इज यू सी अ सेट ऑफ अकल्ट, तो फिर आपको ये जरूर जानना होगा कि इसके पीछे जो अथॉरिटी है वो रियल है या अनरियल है। तो बेसिक क्वेश्चन हम कभी भी वो नहीं फेस करते। आपके ये सारों क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन के टूटे हुए मुख्तलिफ पहलू हैं। बट व्हेन वी गो बैक टू द मेन क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन ये है कि इंसान आजाद है कि इंसान गुलाम है। जब हम पहले क्वेश्चन को इस्टेब्लिश के लिए हमें ये दूसरा क्वेश्चन सामने आता है कि वेदर देयर इज गॉड और देयर इज नो गॉड, बिकॉज इफ देयर इज गॉड देन यू आर नॉट फ्री, इफ देयर इज गॉड देन यू आर फ्री, यू आर ए स्लेव एंड इफ देयर इज नो गॉड यू आर फ्री। तो हमें सबसे बेसिक क्वेश्चन ये अपने आप से करना पड़ता है कि क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ इस बहरान को हल करने में, क्या मेरे जहन में ये सवाल इस शिद्दत से आ रहा है कि मैं खुदा के मौजू पर, खुदा के वजूद पर, खुदा की मौजूदगी पर अपने आप को इतना पेन दूं, मैं रिसर्च करूं, जानने की कोशिश करूं शवाहद से, दूसरे तरीकों से, वेदर देयर इज गॉड और देयर इज नो गॉड। तो अगर अब मैं दूसरी, अल्तान साहब दिस इज वेयर आई फाउंड गॉड, आई वॉज लेफ्ट विद नो आर्गूमेंट अगेंस्ट गॉड, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं पूरी आर्गूमेंट आपको ट्रेस करके जरूर सुनाऊंगा, एज यूजुअल, बिकॉज इट इज 8 years वर्क, इट इज 8 long years दैट आई स्पेंट ऑन दिस वन क्वेश्चन। ये एक टॉर्चर्ड सोल का क्वेश्चन था, एक इंतहा दर्जे के कर्म में डूबे हुए इंसान का क्वेश्चन था, जो कोशिश कर रहा था कि किसी बहुत बड़े बर्डन से, बहुत बड़े चक्की के पार्ट में पिसने से बच जाए। बट अल्टीमेटली यू सी आई हैड नो एस्केप। वंस यू हैव नो एस्केप, वंस देयर इज गॉड, तो ये दूसरा क्वेश्चन है मूवमेंट का, उसे हम मिस्टिसिज्म कहते। जब इल्मी क्वेश्चन हल हो गया, तो अगर खुदा के तरफ चलना चाहे या उससे बगावत करना चाहे, तो वो लोग जो चूज करते हैं खुदा की तरफ बढ़ना, वो ऐनुल यकीन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, मुशाहिदात रब्बानी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और उसको हम तसव्वुफ कहते हैं। तो खुदा अगर तौफीक आपको दे, एंड इफ देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो फिर हम जरूर किसी मौके पर ये खुदा पर जरूर गुफ्तगू होगी, उसके होने या ना होने पर। वेयर एज एंथ्रोपोलॉजिकली आप नेसेसिटी और नीड का पूछते हैं, तो खुदा के बगैर मजहब की कोई जरूरत नहीं। फ्रैंकली टेलिंग, इंसान ने मजहब को जब पाया, पहला और आखिरी मजहब जो था वो सिर्फ एक वजह से वजूद में आया है कि जब भी इंसान ने जिंदगी के मसायब, उदासियों और तन्हाइयों, रिश्तेदारियों की नामहरूमियों से हट कर जब किसी बड़ी जात का आसरा चाहा, तो उसको खुदा का ख्याल आया। जब खुदा का ख्याल आया तो उसे मालूम हुआ कि मजहब खुदा की तरफ जाने का रास्ता है, इसलिए उसने मजहब को अपनाया।
मजहब बजात ही कोई वजूद नहीं रखता। मजहब बजात ही पुराने जमाने की कल्ट बन सकता है, मजहब नहीं रहता। रस्म और रिवाज का जहां अक्ल रुक जाए वहां एक बुत पैदा होता है, और खुदा के साथ किसी की अकल नहीं रुकती, किसी का शऊर रुकता नहीं है। इसलिए देयर इज नो कल्ट विद गॉड, देयर इज ऑलवेज ए कल्ट विदाउट गॉड, चाहे वो फलसफी का कल्ट क्यों ना हो। हाँ जी साहब, दूसरे सवाल आपने उसका एक किया था, व्हाई शुड वी अडॉप्ट अरब कल्चर, वी आर सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री एंड दिस। मगर शायद अल्दान साहब ये चॉइसेस की बात है, वी आर नॉट पिकिंग अप एनी अरब कल्चर, बल्कि आज भी आपके सामने बैठे हुए मेरा ख्याल ये है कि आई एम वन पर्सन वुड नेवर लाइक टू अडॉप्ट एनी कल्चर फ्रॉम द अरब। मगर किसी भी बैन अलाक्वामी पर्सनैलिटी की किसी आदत की आइडेंटिफिकेशन जो है उसके कल्चर से आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, और अगर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसकी वजह ये नहीं है कि ही वाज अरब, बेसिकली ये कतन रीजन नहीं है कि वो अरब थे, बल्कि उसकी वजह ये थे कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। तो इवन टुडे आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अनॉयंस व्हिच इज बॉर्न इन माय हार्ट इज वो सऊदी अरब के बारे में है, कि मेरा ख्याल ये कहता है कि वो एक ट्राइबल कल्चर को इस्लाम के साथ जम करके हमें एक मसखशुदा इस्लामी सूरत दे रहे हैं। तो अरब कल्चर के साथ हमारी कोई अफिनिटी नहीं, मगर मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथ हमारी है, चूँकि अल्लाह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाया कि ना ये अरब का है ना अजम का है, ना ये एक ग्रोह के लिए मखसूस है ना दूसरे के लिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। जनाब प्रोफेसर साहब, यो मेरा नाम है, लाहौर से आया हूँ। पहले वक्त जमा और मकाम की बात हो रही थी, तो कहा गया कि वक्त को बुरा ना कहो क्योंकि वक्त मुकद्दर है। तो प्रोफेसर मुकद्दर वक्त मैं हूँ और इसके साथ कजा व कदर का जो फलसफा है ये क्या है। नंबर दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इल्म नुजूम की हकीकत क्या है और उसमें वक्त का आता है, ये सात नहस है ये या अच्छी घड़ी है, इसका क्या फलसफी है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि अगर ये मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ है तो ये होगा और अगर नहीं लिखा हुआ तो ये नहीं होगा, तो फिर हम किस लिए कोशिश करते हैं। तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि ऐ नादान, तू ये क्यों नहीं सोचता कि कोई तीसरी बात भी लिखी हो कि जब कोशिश करेगा तो पा लेगा, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। तो हजरत इमाम ने मुकद्दर को एक लार्जर सेट ऑफ प्रोबेबिलिटीज की तरह हमारे सामने जाहिर किया। ये जो हमारे जनरली हम कहते हैं कि मुकद्दर फिक्स्ड है या मुकद्दर जो है वो एक दफा मुकर्रर हो चुका, ये इस तरह नहीं है, बल्कि ख्याल के मुताबिक बाहर आपके कोई हैपनिंग नहीं है। तमाम हैपनिंग्स उस वक्त आपके सामने आती हैं जब आपके आइडियाज जो हैं या मेंटल एटीट्यूड जो हैं किसी सिचुएशन के साथ मस खाते हैं। इसीलिए अगर आप हकीकतन गौर करें, एक शतरंज की जो 16 मोहरों की चालें हैं, कंप्यूटर जब कैलकुलेट करता है तो 1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती हैं। अब बहुत सारे इंसानों की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ थॉट है और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग है, ओवरऑल तो ये कैटेगरीज बन जाती हैं, मगर कभी भी किसी जिंदगी में एग्जैक्टली शायद एक ही किस्म की सिचुएशन, आइडिया और मूड्स और सेंटिमेंट्स जो हैं वो रिपीट नहीं करते। अगरचे ओवरऑल हम जानते हैं और सारे लोग इस वक्त तभी लॉ बनते हैं, जैसे नफ्सियाती लॉ है कि बिहेवियरिज्म एक जैसा है दूसरा, बट नोबडी नोज अबाउट द इंटरनल कंडीशन के एग्जैक्टली ये ऐसा ही होगा। तो मुकद्दर कभी भी एक या दो प्रोबेबिलिटीज का सेट नहीं होता,
बल्कि ला इंतहा अमकानात का एक सेट है जो किसी भी सोच के साथ बदल सकता। कभी आपने गौर किया हो तो हम कहते हैं कि ये शख्स बेचारा वैसे ही मर गया, अच्छा भला घर जा रहा था, अच्छा भला घर जा रहा था, इसका तो कोई ख्याल नहीं था इधर आने को, जरा पता नहीं क्या ख्याल है कि इधर हो गया और साथ ही गोली लगी और मर गया। तो जो सेट्स हैं प्रोबेबिलिटी के, वो अब उसकी अंदरूनी सोच कोई नहीं जानता, बट नेचुरली सम आइडिया केम टू हिम विद विच ही एक्टेड अगेंस्ट हिज रूटीन एंड ही गॉट शॉट। इसी तरह हमारे तमाम जो जहन में ख्यालात आते हैं, फॉर एग्जांपल वो शख्स जिसके जहन में मंदिर का ख्याल आ रहा है, हो सकता है मंदिर के लिए निकले और मस्जिद पहुंच जाए, बिकॉज इन बिटवीन हर लम्हा ये चेंजेबल थॉट प्रोसेस जो है कोई भी किसी किस्म की प्रोबेबिलिटी चेंज में ला सकता है, अगर आप उसे चाहें या ना चाहें। कोई बंदा घर से निकलता हुआ बाजार पहुंच गया, कोई बाजार से निकल के कब्रिस्तान पहुंच गया, कोई यानी इतने अमकानात होते हैं कि आप मुकद्दर को स्टेबिलिटी नहीं कह सकते। मुकद्दर इज ऑलवेज ए मर्क्यूरियल चेंज इन द थॉट प्रोसेस एंड अकॉर्डिंगली गॉड हैज फिक्स्ड सिचुएशंस विद दोस थॉट्स। अब दूसरा नजूम का जी ये कदाव कदर की बात हो रही थी, मैं कदाव कदर की बात कर रहा था, मगर ओवरऑल हम तमाम अहले इल्म जो हैं जबर को मानते हैं, इख्तियार को कम मानते हैं। जबर को इसलिए नहीं मानते कि हमें इख्तियार हासिल नहीं है, बल्कि इसलिए मानते हैं कि हमारी जिंदगी की बेशतर जो अपने एंड्स हैं वो हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बाकी बातें छोड़ दें, हम पर सबसे बड़ा जबर ये है कि वी डोंट चूज अवर पेरेंट्स, वी डोंट चूज अवर डेथ। यानी अगर आप देखिए कि अगर किसी ने जबर व कदर में तफरीक ही करना हो, तो अगर मुझे कोई चॉइस दे के नहीं भेजता कि मैंने ये बहन होनी है मेरी, ये भाई होना है, ये बाप होना है, मैंने गरीब घर में पैदा होना है, अगर आप देखें तो 15-20 साल तक आपका कोई मुकद्दर नहीं। इट इज सो ऑर्डेन्ड। इसी तरह मौत के वक्त भी आपको कोई चॉइसेस नहीं होते, ले दे के बीच में 10-15 साल ऐसे हैं जिसमें लगता है कि मैं मालिक, ना पहल मेरी सुनी हिकायत हस्ती तो दरमया से सुनी, न इब्तदा की खबर है न इंतहा की खबर। तो बीच में आके कहीं 10-15 सालों के लिए मालूम होता है कि आई एम थिंकिंग, आई एम एक्टिंग, आई एम सपोज टू मेक माई सेल्फ, बट अनलकीली इवन दिस इज नॉट ट्रू। अगर उसको भी तवज्जो से मुतालिया करें तो वहां एक हदीस रसूल नातिक है कि जब पूछा गया कि हर चीज हर लम्हा हयात हर चीज ही अल्लाह ने हमारे लिए रखी है, तो फिर इंसान क्या करता है, तो फरमाया जब अल्लाह ने किसी से कोई काम लेना होता है तो उसके मुताबिक उसका इरादा और मोटिव पैदा कर देता है एंड ही फोर्सेस द पर्सन टू अचीव दैट पर्पस। और ये कैसे होता है, ये आप साइकोलॉजिस्ट हैं आपको पता होगा। ये इस तरह होता है कि परवरदिगार ने फरमाया मा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला हुवा आखिज़ुन बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरात मुस्तकीम। मैं थोड़ा सा प्रोफेसर साहब ये चाहता हूँ आयुष साहब कि आप जरा थोड़ा सा लोगों को, सिंस यू हैव स्टडीड द ब्रेन एंड साइकोलॉजी, तो आई वॉन्ट यू टू टेल दिस पीपल कि हमारे माथे के पीछे क्या होता, फिर आपको ये आयत बड़ी आसानी से समझ आ जाए। खुदा ये कहता है कि मा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला हुवा आखिज़ुन बिनासियतिहा कि जमीन पर ऐसा कोई जी हयात नहीं है जिसे हमने उसके माथे से नहीं थाम रखा। तो अयूब साहब माथे के पीछे कौन सा ब्रेन होता है, टेक्निकल हो जाएगा क्योंकि इंसानी जहन के ना कुछ पार्ट्स होते हैं, जो मेन है वो फोर ब्रेन
मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, जो फोर ब्रेन है, जो इनके फ्रंट और जो माथे के पीछे जिस तरह फरमा रहे हैं, जो ये ब्रेन है, इसका काम है कि इंसानी जो है ख्वाहिशात, जो इंसान की तमन्नाएं, इंसान की जो जबिल्लत जो आते हैं, उनको कंट्रोल करना जो है वो इस दिमाग का जो हमारे तो डॉक्टर साहब ने जो फोर ब्रेन की खसूसियतें बताई हैं, ये एक साइंटिफिक वर्शन है, और कुरान ये कहता है, अल्लाह ये कहता है कि मेरे हर इंसान को उसके माथे से नासिया से थाम रखा है, यानी फोर ब्रेन में उसका रिमोट कंट्रोल नसब, जो आपकी ख्वाहिश भी कंट्रोल करता है, उसके बारे में उसके मोटिवेशंस भी कंट्रोल करता है, जो आपको क्लैरिटी ऑफ पर्पस भी देता है और कंफ्यूजन ऑफ विशफुल थिंकिंग भी देता है। तो इससे आपको साफ पता लग जाएगा कि परवरदिगार कैसे मुकद्दरात को कंट्रोल करता है। और दूसरा सवाल कि नजूम के बारे में, तो वैसा हुजूर गिरामी मर्तबत ने फरमाया कि नजूम एक पैगंबर को अता किया गया, और जिसकी लाइन उससे मिल जाए वो ठीक है, मगर ये तमाम नजूम जो है ये एक सहूलत इंसान थी, और उस वक्त के लोगों ने इसे इंसानी हिदायत और रहनुमाई के लिए सीखा। तमाम नजूम का जो मकसद है आदत को मुंजबित करना है, तमाम इल्मे नजूम आदत को कैद में लाती है, और वो इस तरह कि जब एक मुसलसल रूटीन से सारे सितारे चल रहे हैं, तो जब देखा लोगों ने बहुत ज्यादा मुतालिया किया और साथ साथ ये देखा कि अगर मरीख मुश्तरी की जगह पहुंचे तो ये वाकयात मौसम में ये रद्दोबदल होता है, और अगर मुश्तरी मरीख की जगह पहुंचे या जोहरा और अतारद की जगह पहुंचे, चूंकि एक सर्कल सा बना हुआ है, ये आसमानी घड़ी है, और जैसे जो जो वक्त पे जो जो कैफियतें महसूस करते थे लोगों ने उनको नोट किया। इट वॉज ए प्री साइंटिफिक थीसिस। इल्मे नजूम जो है ये प्री साइंस एक जस्टिकुलेशन है, और कभी कभी ये बहुत ठीक निकलती है, मगर इनका मुकद्दर के साथ कोई वास्ता नहीं। ज्यादा से ज्यादा मुकद्दर से इनका ये ताल्लुक हो सकता है कि सम गस वर्क शुड कोइंसाइड विद द टाइम व्हिच हैपेंस। इसीलिए हजूर ने फरमाया कि जिसने ये कहा कि सितारे की वजह से बारिश हुई वो मरदूद है, और जिसने ये कहा कि अल्लाह की वजह से हुई वो सच्चा है। तो नजूम की हैसियत एक इल्मी तहकीक की अब भी मौजूद है। शुरू में कुरान हकीम में अल्लाह ने कहा कि खुदा फिर दो किस्म के उलूमों में से उस इल्म को रख छोड़ता है जिसमें इंसान की बेहतरी है। तो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी वर टुगेदर, देन दे वर बाइफरकेटेड, और अल्लाह ने जिसमें इंसान की बहबूद देखी वो एस्ट्रोनॉमी था, उसको तरक्की और इज्जत बख्शी, और इल्मे नजूम अब अंधेरी रातों में तवक्को, उम्मीद और यास और शैतानी वजावस का मरकज बन के रह गया। बाबर खान सियालकोट से आए हैं, ये सवाल करना चाहेंगे। सियालकोट वालों ने इस प्रोग्राम के लिए बड़ी मदद की है हमारी, जिसके लिए मैं इनके शदीद मशकूर हैं। मैं इसमें आपका साथ दे रहा हूँ, दरअसल ये हमारे में जुबान है। मेरा सवाल आज के मौजूद से बिल्कुल मुख्तलिफ सा है, अपने अपने कंफ्यूजन होते हैं। आज के दौर में पीर पीर की हकीकत क्या है, इनफैक्ट पीर होता क्या है, और आज के मौजूदा दौर में मॉडर्न दौर कह लें या 21st century में कह लें, पीर की क्या हैसियत होगी और उसकी तारीफ क्या है, सच्चे मानों में शनाख्त क्या है, ये सवाल मेरा सवाल है। मुझे यकीन है खुद ही बना लेंगे, मुझसे तो बना नहीं। थैंक यू वेरी मच। हालत पहले ये ना कोशिश कर लें कि मुख्तलिफ आरा जमा कर लें इस पे, तो आपको खुद ब खुद ही पता लग जाएगा कि पीर का कॉन्सेप्ट क्या है, और लोग किस किस्म के आदमी को पीर समझना चाहेंगे, मानना या उसका इनकार करना चाहेंगे। तो फिर मैं भी अपनी राय पेश कर दूंगा। बुखारी साहब से शुरू करते हैं। बुखारी साहब, आप पीर के बारे में कुछ? मैं एक साहब के पास बैठा था जिनके पास काफी पुरानी बात है, उनके सब लोग पूछते थे। मैंने ये प्रोफेसर साहब को ये बात बताई थी कि वो उनके पास लोग आकर बैठते थे, तो काफी ज्यादा उनसे जैसे उनको पीर मानते थे और बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। उनसे एक दफा मैंने पूछा कि पीर की क्या पहचान है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, तो उन्होंने कहा यार बिल्कुल वैध ही है, तो उठने दिल ना करे वो पीर हो। मेरी डेफिनेशन तो ये, मेरा प्रोफेसर से भी उठने को दिल नहीं करता। अब
کوئی اور صاحب رائے دینا چاہیے؟ تارا صاحب آپ سے درخواست کر رہے ہیں لوگ. ویسے پیروں کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سے اٹھنے کو جی نہیں. کوئی صاحب اس بارے میں اپنی رائے دینا چاہے بلا تکلف دے. میں سب آپ کچھ کہو صاحب, آپ خود بتائیں آپ کی کیا رائے. میں تارا صاحب سے زیادہ اگری کرتا ہوں, بس ایسی ہے جی. پیر کی تعریف آ رہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق چلے وہ پیر ہے ورنہ شیطان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آپ نے پیر کی تعریف کے متعلق جو بات کی ہے, پیر وہ جس کی پیروی کی جائے, اور پیروی کس کی جائے گی؟ جو کہ وہ تمام احکامات خداوندی کے اوپر جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں عمل کرتا ہے اس کی پیروی کی جا سکتی ہے. اور سب سے جو بڑی بات ہے جس کی پیروی کی جائے وہ قرآن ہے. ایک بھی آیت آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ آپ کو کہیں غلط راستے پہ نہیں لے جاتی, وہ اس راستے پہ جا رہی ہے جو کہ آپ کو صراط مستقیم کی طرف لے کے جاتا ہے. تو میرے خیال میں قرآن سے بڑا کوئی پیر نہیں ہو سکتا. اور اگر انسان کی حیثیت میں آپ کہیں کہ ہمیں پیر چاہیے تو پھر میرے خیال میں ماں سے بڑا پیر کوئی نہیں ہو سکتا. اور پھر آدمی کہتا ہے کہ ماں تو ہے پیر, وہ تو بنائے گی ہمیشہ صحیح راستے پہ لائے گی, تو پھر باپ ہے. یہ دو ایسی ہستیاں ہیں جو کہ آپ کو کبھی بھی غلط راستے پہ نہیں لے کے جائیں گی. تو پھر پیروی میں قرآن حکیم اور ماں اور باپ یہی ہیں وہ جو آپ کو صحیح راستے پہ لے جائیں گے, کبھی جہنم کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. تو یہی میرے خیال میں پیر ہیں. بقایا جو ہیں وہ صرف یہی ہوگا, جس کی دکان چمک رہی ہوگی اس کی طرف ہم جائیں گے. دکان چمکانے والے کے بعد جب ہم جائیں گے تو وہاں سے پھر ہمیں مال ملے گا, لیکن مال کی قیمت لی جائے. اور جس کے پاس جتنی قیمت ہوگی پیر اس کو ویسے ہی اچھی طرح کے وہ سودا دے گا. تو میرے خیال میں ماں اور باپ کے علاوہ کوئی پیر نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا پیر جو ہے وہ قرآن حکیم ہے. آج کل لوگ جو اسپرچل لیڈر ہوتا ہے یا جو اسپرچل ٹیچر آپ کو آتا ہے اس کو پیر کہا جاتا ہے, اور بعض اوقات کسی مجذوب کو بھی لوگ اپنا پیر سمجھتے ہیں. میرے خیال میں پیر اس کو کہا جاتا ہے جس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جب آپ کسی مسئلے میں پھنس جائیں تو راسخون فی العلم کے پاس جائیں. تو میرا خیال ہے پیر وہی ہوتا ہے جو راسخ فی العلم ہو اور جو آپ کی ذہنی کنفیوژن دور کرے اور آپ اور خدا کے درمیان جو پردے آ جائیں ان کو ہٹا دے اور پھر بندے کو خدا سے سامنے کر دے, تو وہی پیر ہے. مائک بند کر لیں سر, مائک آف. جو انہوں نے کہا کہ ماں باپ غلط رستے پہ نہیں لے کے جاتے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے تو انہیں جہنم میں لے جانے کی پوری کوشش کی تھی, اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ میں نے آپ سے جو عرض کیا تھا نا قرآن حکیم کی میں نے بات کی تھی, اور آپ ہم بات کر رہے ہیں نا اس وقت ہم بات کر رہے ہیں قرآن سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو طریقے کے مطابق ہے. وہ ماں باپ جو آپ کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جاتے ہیں, شرک کی طرف نہیں لے کے جاتے. اسی لیے آپ ماں باپ کی بے ادبی نہیں کر سکتے, خواہ وہ مسلم ماں ہیں یا غیر مسلم ہیں. آپ ان کا ادب کرتے رہیں گے. اگر یہ دونوں نہیں ملتے تو پھر قرآن جو وہ ایسی چیز ہے جو کہ تمام وہ پردے ہٹاتے جاتے ہیں. اگر آپ قرآن سائنس اور بائبل کا مطالعہ کریں, لکھنے والے بھی غیر مسلم ہیں اور پڑھنے والے بے تحاشا مسلمان ہیں ماشاءاللہ, تو وہ تمام پردے ہٹتے جاتے ہیں. آج 1400 سال کے بعد آج جا کے ہم لوگ یہ تحقیقات کرتے ہیں پیدائش کے عمل کے متعلق, آسمانوں اور زمینوں کے متعلق بات کرتے ہیں, جبکہ قرآن کریم نے آج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ
اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم لوگ یہ جانتے ہوئے بھی، ہمیں ادراک ضرور ہے، ایک فہم تک ہے، لیکن اس سے آگے ہمیں نہیں ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ ادراک نہیں رکھتے جو کہ ہماری جو آنکھوں کی روشنیوں کو زیادہ وہ روشنی دیتی ہے۔ جاگ والا محترم خان صاحب، مجھے تو خود آج تک پتہ نہ لگا کہ پیر کون ہوتا ہے، اس لیے کہ شاید ایک بے چین اور مضطرب روح کی طرح میں نے بھی بڑی کوشش کی کہ لفظ پیر پہ پورا اترتا ہوا کوئی ہیولا یا ہنگامہ دیکھ سکوں، مگر مجبوری رہی۔ مگر میرا خیال یہ ہے کہ میں، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے جس میں کسی کو کسی کی تحقیر و تنقیص مراد نہیں، کہ میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفس، کہ اللہ مجھ پہ الہام کر خیر کا خیال اور مجھے بچا نفس کے شر سے۔ اب چونکہ ابتدائے کار میں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ تمام نفس کے ایکسپیرینس اور ٹیکنالوجی کو ایک بگنر جانتا ہو، اسی طرح الہام خیر میں تفریق کرنا نہ کرنا یہ بھی کسی ایکسپرٹ کا کام ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ ہم سے آگے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہوں جو انہی دونوں صورتوں میں نفس کے ایکسپرٹ ہوں، ایک تو شر نفس کے ایکسپرٹ ہوں اور ایک الہام خیر کے ایکسپرٹ ہوں۔ کشف المحجوب نے، سید حجویر نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شیخ اپنے ایک مرید کے ساتھ جا رہے تھے تو مرید نے پوچھا کہ اے شیخ، مگر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شیخ ننگے پاؤں چل رہا ہے اور سردی بڑی سخت ہے، اگر میں اپنے گلے کا گلوبند اتار کر شیخ کے پاؤں میں لپیٹ دوں تو شیخ کے پاؤں بھی بچ جائیں گے اور مجھے ثواب بھی مل جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ بھلا اتنے بڑے متقی پرہیزگار اور اتنے بڑے مجاہد والے انسان کو میری آفر کہاں قبول ہوگی، یہ تو نہ ہو کہ شیخ جھاڑ دیں۔ تو اس نے نہیں کہا، کچھ اور آگے چل کر اس نے اپنے شیخ سے پوچھا، حضرت الہام اور وسوسہ میں کیا فرق؟ فرمایا، جو تجھے پہلے آیا تھا الہام تھا اور جو بعد میں آیا وہ وسوسہ تھا۔ تو اس واقعے کے سنانے سے میری مراد یہ ہے کہ ہم سے بہتر کچھ لوگ ضرور ایسے ہوتے ہوں گے جو ایک نفس کی سائنسز کے ایکسپرٹ ہوتے ہوں گے۔ دراصل پیر ہے بھی وہی جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے خدا شناس ہے کہ وہ سیلف شناس ہے۔ وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ آپ کے لیے ایک ایسا اسپیشلسٹ اور ایکسپرٹ ہے کہ اگر آپ اسی قانون اور موٹیف میں چلنا چاہیں گے تو پھر اس کی رہنمائی آپ کو کام آئے گی، الہام کے انتخاب میں بھی اور شر نفس سے بچنے میں بھی اس کی رہنمائی کام آئے گی۔ جیسے ایک شخص شیخ جنید کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے جنید، مجھے نہیں پتا کہ تمہیں عبادات سے کیا ملا، مگر میں نے تیرے پڑے ہوئے چند دن وظائف کیے ہیں اور میں روز جنت کو دیکھتا ہوں اور وہاں جاتا ہوں۔ تو جنید نے کہا، مردود، تو جنت میں نہیں جاتا، تو عذاب دوزخ میں ہوتا۔ تو اس نے کہا، اس نے باہر جا کے کہا کہ جنید، اتنا بڑا مرشد ہوتے ہوئے چونکہ میرے تجربات نہیں حاصل کر سکا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے حاصل ہو۔ تو کافی عرصے کے بعد اس کو کسی شخص نے جا کے کہا کہ تو جنید کا حکم مان تو لے ایک دفعہ، جو وہ کہہ رہا وہ تو کر لے، پھر تجھے ٹیسٹ بھی ہو جائے گا۔ تو جب اس رات اس کو وہی جنت میں پیشگی ہوئی تو اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو آنن فانن وہ سحر ٹوٹ گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ غلاظت کے ایک ڈھیر پہ بیٹھا۔ تو بعض اوقات ہماری اپنے وجود میں اس قسم کی پیچیدگیاں ہیں اور اس قسم کا مکر و فریب جنم لیتا ہے، خود پسندی سے، خود ستائی سے،
خود لذتی سے، خود خیالی سے، کہ ہم لوگ اس کو پراپرلی انٹرپریٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ غور کریں تو نفسیات ہم میں سے بہت سو کو میسکسٹ یا سادسٹک قرار دے گی، نفسیات ہم میں سے بہت سو کو ڈپریس قرار دے گی، نیوروٹک یا سائیکوٹک قرار دے گی. اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھتے. بہت سارے ہم میں سے لوگ باوجود کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل ٹربل ہونے کے ہم اپنی ذات